आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे चाइनीज स्पाइस शिप के बारे में। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर जो फोटोग्राफ दिखाई गई है, इसमें आप चाइनीज स्पाइस शिप युआन वॉन्ग 6 को देख सकते हैं और इस समय ये शिप इंडियन ओशन रीजन में एंटर कर रहा है। इससे पहले यही शिप साल 2022 के नवंबर दिसंबर में इंडियन ओशन रीजन में देखा गया था और अगस्त में इसका सिस्टर शिप युआन वॉन्ग 5 श्रीलंका के आसपास देखा गया था। देखिए, ये सो कॉल्ड चाइनीज स्पाइस शिप एक ट्रैकिंग वेसल है और लगभग ये 21,000 टन डिस्प्लेसमेंट वाला शिप 20 नॉट्स की मैक्सिमम स्पीड से मूव कर सकते हैं। वैसे तो चाइना की तरफ से 7 ऐसे शिप्स बनाए गए थे, लेकिन इस समय पीएलए के पास में 4 ऐसे शिप्स ऑपरेशनल हैं और इसी वजह से काफी आसानी से चाइनीज नेवी इन शिप्स को जहां भी एक्सरसाइज हो रही होती है या फिर कोई स्ट्रेटेजिक टेस्ट होने वाला होता है वहां पर भेज दिया जाता है। पिछली बार भारत की तरफ से जब अग्नि 6 मिसाइल सिस्टम का टेस्ट किया गया था तब ये शिप इंडियन ओशन रीजन में लाया गया था। इसके अलावा जब भारत की तरफ से एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम का टेस्ट किया गया था तब भी ये चाइनीज स्पाई शिप इंडियन ओशन रीजन में लाए गए थे और ये चीज इंडिकेट करती है कि चाइना की तरफ से हर बार कोशिश की जाती है कि जब भारत कोई स्ट्रेटेजिक टेस्ट करे तो उसके रिजल्ट्स और परफॉर्मेंस को ट्रैक करने के लिए उनके ये स्पाई शिप इंडियन ओशन रीजन में मौजूद हों। देखिए, इंटरनेशनल वाटर्स में कोई भी शिप कहीं भी और कभी भी जा सकता है और चाइना की तरफ से ये जो स्पाई शिप डिप्लॉय किए जाते हैं वो स्ट्रेटेजिक तरीके से डिप्लॉय किए जाते हैं, लेकिन ये शिप्स इंटरनेशनल वाटर्स में ही रहते हैं। इन शिप्स की लॉन्ग रेंज ट्रैकिंग इनको इंटरनेशनल वाटर्स में रहते हुए काफी दूर से ट्रैकिंग करने में मदद करते हैं और इस तरीके की डिप्लॉयमेंट चाइना की तरफ से करके ये कोशिश की जाती है कि जो भी नए स्ट्रेटेजिक सिस्टम टेस्ट किए जा रहे हैं उनको लेकर हर तरीके की इंटेलिजेंस गैदर की जाए, चाहे वो इमेज इंटेलिजेंस हो, सिग्नल इंटेलिजेंस हो या कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस हो। ओवरऑल ये इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस गैदर करके चाइना की तरफ से एक डेटाबेस बनाया जा रहा है जिससे वो आइडेंटिफाई कर पाएगा कि भारत किस तरीके के सिस्टम टेस्ट कर रहे हैं, उनके सिग्नेचर्स क्या हैं और जब भारत एक्चुअली उन सिस्टम्स को यूज करेगा तो उनके लिए वो बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं होगा। पास में भारत की तरफ से जब चाइनीज शिप इंडियन ओशन रीजन में डिप्लॉय किए गए थे तो कई सारे टेस्ट पोस्टपोन कर दिए गए थे, लेकिन जब अग्नि 6 को टेस्ट किया गया था तो ये शिप इंडियन ओशन रीजन में मौजूद था और बावजूद उसके भारत की तरफ से ये टेस्ट किए गए थे। यानी कि भारत की तरफ से कहा गया था कि इसके सिग्नेचर्स आप जान लो क्योंकि आपके आर्सेनल में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको इस मिसाइल सिस्टम से बचा पाएगा। काफी हद तक बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड प्रोग्राम के दौरान भी कुछ इसी तरीके से डेमोंस्ट्रेशन दी गई थी और भारत की तरफ से उस कॉन्फिडेंस के साथ में ये टेस्ट किए गए थे जिससे चाइना को पता चले कि भारत की क्षमता क्या है। कुछ दिनों पहले भारत की तरफ से एक एरिया वार्निंग रिलीज की गई थी जो इंडिकेट कर रहा था कि यहाँ पर एक बैलिस्टिक मिसाइल के टेस्ट हो सकते हैं। इनफैक्ट एरिया वार्निंग का पैटर्न ये भी सजेस्ट करता है कि ये एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम का टेस्ट भी हो सकता है और जब बात आती है बैलिस्टिक मिसाइल या एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स की तो चांसेस होते हैं कि यहाँ पर टेस्ट एक स्ट्रेटेजिक सिस्टम का किया जा रहा हो, यानी कि कहीं ना कहीं आने वाले कुछ दिनों के अंदर भारत की तरफ से एक बड़ा टेस्ट किया जाने वाला है और अगर वो टेस्ट पोस्टपोन नहीं किया जाता है तो जल्द ही हम लोगों को ये टेस्ट देखने मिल सकता है। वैसे भारत की तरफ से भी अपना एक इस तरीके का शिप बना लिया गया है और इस शिप को नाम दिया गया है INS ध्रुव। इंडिया की स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड ने इस शिप को अपने बेड़े में शामिल कर लिया है और इस समय NTRO, DRDO और इंडियन नेवी के पर्सनल्स इसके ऊपर ऑपरेट करते हैं। इस शिप में यूज होने वाला इंस्ट्रूमेंटेशन रेडार सिस्टम्स युआन वॉन्ग की तुलना में काफी बेहतर है क्योंकि युआन वॉन्ग अपने डीकमीशन स्टेज के आसपास पहुंच चुके हैं और यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं ईसा रेडार से लैस सिस्टम्स के बारे में जो रिसेंटली बनाए गए हैं। हालांकि 1-4 एक अजीब सा ऑड है और नेचुरली यहाँ पर चाइना के पास में एक एज है। एनीवेज, होपफुली आगे चीजें बदलेंगी और भारत ऐसे और शिप अपने बेड़े में शामिल करेगा, लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पर कहा जा सकता है कि कोई बड़ा टेस्ट होने वाला है और इसी वजह से उस तरफ नजर जरूर रखिएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।